The heart of this car is the engine. I mean, ye jo gaadi hai, iski performance bahut zaruri hai, kyunki it has to go in areas that are tough, hard to handle, hard to maneuver, aur unme bahut power chahiye hoti hai. So is gaadi mein ye jo aap engine dekh rahe hain, it's a V8, 6.0 liters, which gives you about 325 horsepower. You know, this might not seem like a lot, lekin iska jo power hai na, it's made for just pushing this giant car. This goes out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take you on a bad boy flight. Mess and tricks on the mic tonight. This goes out to the girls in the front, to the back, to the middle, to the left, to the right. We're gonna take you on a bad boy flight. There's no beauty in the engine. If you look at it, it's, you know, dirty and messy. But this car is made for functionality. It's not made for beauty. It's not made for beauty. The engine is also this way. That, look, you drive me, you use me, you use me, you don't see me. It's made for being used, not made for being looked at. Iski jo asli khubiyat hai, iski torque hai, iski power hai, iski acceleration or deceleration itni important nahi hai, jiski iski power or torque hai. You know, ye upar mountains climb kar sakti hai, ye rivers ke through ja sakti hai. You know, this engine is made to push it through wherever, climb kahin pe bhi ja sakti hai. Agar aapko K2 bhi climb karna hai, to is gaadi mein aap climb kar sakte hain. This is just one bad engine, and it's made for climbing and made for driving. Faraz, कुछ इनके power features के बारे में बताओ कि दूसरी गाड़ियों से कुछ different है या वही features हैं और मुझे ये गाड़ी तो देखने में इतनी ऊंची लग रही है कि मैं इसके सामने इतनी सी हो गई हूँ तो इसकी height wise के बारे में भी कुछ बताओ कि कितनी height है कितनी length है ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि क्या चीज़ इसमें difference है बिल्कुल सोबिया अपने नाज़रीन को बताएंगे बेसिकली नाज़रीन जहाँ तक इसकी लेंथ का ताल्लुक है बहुत लंबी गाड़ी है 190 इंचेस इसकी लेंथ है लंबाई इसकी हाइट इसकी तकरीबन है 81 इंचेस और इसकी जो विड्थ आप देख रहे हैं चौड़ाई जिसे कहते हैं ये तकरीबन 80 इंचेस की है ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई हाइट हो गई अब आते हैं इसी पावर फीचर्स की तरफ तो सोबिया इस गाड़ी के अंदर बहुत से पावर फीचर्स हैं जैसे कि इसके अंदर पावर स्टेयरिंग है इसके अंदर पावर विंडोज़ हैं बटन से आप शीशे ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके अंदर आपका एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है यानी कि अगर आप अपने हाइट की मुनासबत से उस स्टेयरिंग को एडजस्ट करना चाहो तो बटन लगा हुआ है वो ऊपर नीचे साइडों पे हो जाता है स्टेयरिंग इसकी ऑटो एडजस्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर सीटें ऊपर नीचे हो सकती है अगर आपकी हाइट छोटी है जैसे तुम जैसी कोई लंबी चौड़ी लड़की अगर गाड़ी में बैठ जाए और उसको बोनट से आगे कुछ नज़र ना आ रहा हो तो अपनी सीट को ऊपर भी कर सकती है इसके अलावा नाज़रीन इसके अंदर जो है क्रूज़ कंट्रोल है मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली एक जैसे कि ऑटो पायलट होता है ना जहाज़ में पायलट के लिए ऐसे एक ऑटो ड्राइवर होता है गाड़ी जो है आपकी एक स्पीड पर स्टेबल चलती रहेगी और आप जो है अपनी ड्राइव को इन्जॉय करते रहेंगे आपको गेयर लगाना या बार बार ब्रेक्स और इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेबल होके हाईवे पे या किसी भी लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलेगी क्रूज़ कंट्रोल भी अमूमन तमाम गाड़ियों में होता है लेकिन इसके अंदर भी मौजूद है लेकिन एक चीज़ मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा जो इसके अंदर मौजूद नहीं है वो है नेविगेशन सिस्टम अमूमन आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन सबके अंदर नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है पर इस गाड़ी के अंदर उन्होंने नहीं दिया गॉड नोज़ व्हाई बट पूछेंगे पता करेंगे बताएंगे आपको क्यों नहीं डाला इसके अंदर